नमस्कार रितम का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। हर साल 6 दिसंबर को हम अपने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं, लेकिन उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे भी पहलू हैं जिन्हें जानना हम सभी को बेहद जरूरी है। आज हम यहाँ उनकी उसी उल्लेखनीय यात्रा पर एक नजर डालेंगे जो जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने, समाज के हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के अथक प्रयासों से जुड़ी है। 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में जन्मे अंबेडकर तत्कालीन सामाजिक भेदभाव के शिकार महार जाति से थे, जिन्हें छोटी उम्र से ही सामाजिक द्वेष और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी अंबेडकर ने इस भेदभाव को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनकी कहानी सिर्फ चुनौतियों के बारे में नहीं है, बल्कि बदलाव लाने के प्रति लचीलेपन और अटूट प्रतिबद्धता के बारे में भी है। तो आइए आज हम सभी बाबा साहेब की अभूतपूर्व पहलों, साहसिक कदमों और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ और विश्लेषक भी जुड़ेंगे जो बाबा साहेब के बारे में और अधिक गहन समझ प्राप्त करने में हमारी मदद करेंगे। बाबा साहेब अंबेडकर ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए भारत के संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका दृष्टिकोण उस मूलभूत दस्तावेज को आकार देने में सहायक बना जो सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार, समानता और सामाजिक न्याय की गारंटी देता है। उनका जोर अस्पृश्यता को खत्म करने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई को बढ़ावा देने पर था। अंबेडकर का जीवन और कार्य सामाजिक और राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करते रहे और समानता और न्याय के लिए चल रहे संघर्ष की याद दिलाते रहे, वे लगातार उकसा रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि समानता और न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में एक सार्वजनिक तालाब में समाज के वंचित वर्गों को पानी का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए अंबेडकर के नेतृत्व में महाड़ सत्याग्रह शुरू किया गया और लोगों से सच्चाई के साथ संघर्ष करने का आह्वान किया। छुआछूत को लेकर, अस्पृश्यता को लेकर, जाति के भेदभाव को लेकर बाबा साहेब के विचार बहुत ही दूरगामी थे। और महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि बाबा साहेब ने इस अस्पृश्यता या छुआछूत या जाति के भेदभाव का समाधान अपने भारतीय ग्रंथ, जिसे हम कई बार हिंदुओं का धर्म ग्रंथ भी कह देते हैं, गीता में ढूंढा। मैं बताना चाहता हूं कि गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है, जिसे संसार के सारे मनीषियों ने स्वीकारा। बाबा साहेब भी कहते थे कि गीता में जो कर्म की प्रधानता है, जो सत्य का आह्वान है और साधनों की जो पवित्रता की बात की गई है, उसी सत्य और असत्य में का सहारा लेते हुए गीता के संदर्भ में कहते हैं कि जब गीता किसी में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानती, छूत अछूत का भेदभाव नहीं मानती, तो क्यों नहीं गीता के माध्यम से हम इस छुआछूत का मुकाबला करें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि उस समय बाबा साहेब को इस जो हमारे हिंदू धर्म की एक विकृति जो परवर्ती काल में आ गई, परवर्ती काल में इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राचीन काल में इस तरह की हमारी व्यवस्था नहीं थी उच्च और निम्न की। एक उदाहरण से मैं अपनी बात रख के फिर बाबा साहेब के विचारों पर आना चाहूंगा। आप ऋग्वेद को जानते हैं, ऋग्वेद के बारे में हमने सुना है कि महान ग्रंथ है। इस प्राचीनतम ग्रंथ में यह स्पष्ट उल्लिखित है कई ऋचाओं में, जिसे हम श्लोक भी कहते हैं, उसमें कहा गया है कि एक ही परिवार में चार भाई चार वर्णों के हो सकते थे, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
एक ही चार भाई अपने कर्मों के आधार पर, अर्थात कोई उच्च नहीं कोई निम्न नहीं। यह तो हमने बाद में उच्चता और निम्नता की परिभाषा गढ़ी जो परवर्ती काल की नीतियां थी। और इसीलिए बाबा साहब बार बार कहते हैं कि जो हिंदू धर्म की जो विकृति आ गई परवर्ती काल में, उसका समाधान उन्होंने हिंदू धर्म भारतीयता के ही परिप्रेक्ष्य में करने की कोशिश की। उससे बाबा साहब बहुत ही संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथ तो एक महान धर्म है, लेकिन उसकी विकृतियां हैं जातिवाद की, अस्पृश्यता की, इससे हिंदू धर्म को उभरना ही होगा। उससे उभरे बिना इस भारत राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता, जिसकी ओर प्राचीन काल से मनुष्यों ने कहा है। हमारे देख लीजिए प्राचीन काल में महर्षि वाल्मीकि हो, वेद व्यास हो, महर्षि मतंग हो, बाद में रैदास या चोखा मेला हो, सारे कौन थे? उन्हीं तथाकथित निम्न जातियों के, लेकिन भारतीय समाज ने उन्हें संत और महर्षि का दर्जा दिया था। आज की वाल्मीकि हमारे पूजनीय हैं। बाबा साहेब का दृढ़ विश्वास था कि मंदिर सार्वजनिक पूजा के लिए बने स्थान है और पूरे हिंदू समुदाय की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए कुछ हिंदुओं के लिए प्रवेश की अनुमति देना और दूसरों के लिए इसे प्रतिबंधित करना स्वीकार्य नहीं है। 29 अप्रैल 1947 जब सैकड़ों सालों की जो अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना थी, हिंदू समाज का अभिशाप थी, उसको एक झटके से अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 इसके माध्यम से छुआछूत या अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया गया। बहुत गौरवशाली क्षण थे जो हिंदू समाज की एक विकृति जो परवर्ती काल में विकसित हुई थी, उसको इसने समूल से नष्ट करने की कोशिश की सैद्धांतिक तौर पर। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा हिंदू दर्शन की प्रमुखता को स्वीकार किया, फिर भी उन्होंने अस्पृश्यता की धारणा की उत्पत्ति पर सवाल उठाया। उन्होंने इस बात पर विचार किया कि हिंदू प्रत्येक जीवित प्राणी में दैवीय उपस्थिति को पहचानने के बावजूद कुछ को अछूत क्यों समझा जाता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी दलित जाति के नागरिक उन पर हुए अत्याचारों का शिकार बने। हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मानने के बावजूद बाबा साहब की यह चिंता लगातार बनी रहती थी कि जो हिंदू धर्म इतना उदार है, जो सब में एक ही आत्मा का निवास महसूस करता है या मानता है, फिर वहां पर कुछ लोगों को उच्च और कुछ लोगों को निम्न क्यों माना जाता है? यानी तथाकथित जो निम्न और उच्च जातियों को लेकर, अस्पृश्यता को लेकर उनके मन में बहुत ही पीड़ा रहती थी। जब एक ही आत्मा सब में निवास करती है, संभवतः बाबा साहेब हिंदू धर्म के उस बात को महसूस करते थे जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ईसावश्यम इदम सर्वम, यानी सब में एक ही आत्मा। और इसीलिए अस्पृश्यता को दूर करने के लिए उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर ही पूरी लड़ाई लड़ी। और वो कहते थे यह लड़ाई छूत या अछूत, स्पृश्य या अस्पृश्य, इनके बीच ना होकर सच्चे हिंदू और जो सच्चे हिंदू नहीं है उनके बीच की लड़ाई है। बाबा साहेब का जो शब्द था, उनकी अपनी शब्दावली थी कि समाज सुधारक हिंदू या सुधारक हिंदू, और दूसरी तरफ रूढ़िवादी हिंदू, यानी सच्चे हिंदू वह है जो सुधारक है और जो सच्चे नहीं है वह रूढ़िवादी है, इनके बीच की लड़ाई है। 14 अक्टूबर 1956 को विजयादशमी के शुभ दिन पर बाबा साहेब ने शांत मानसिकता के साथ अपने दिल की सभी कड़वाहट को दूर कर दिया और संपूर्ण राष्ट्रीयता को अपने दिल में रखते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। डॉक्टर अंबेडकर लंबे समय से उत्पीड़ित लोगों के लिए इस्लाम या ईसाई धर्म को उपयुक्त नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह के धर्मांतरण से राष्ट्रवाद और देशभक्ति के प्रति उनकी निष्ठा पर संदेह हो सकता है। 14 अक्टूबर 1956 जब बाबा साहब ने बौद्ध पंथ को अपना लिया, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब
धर्मांतरण कर गए। लेकिन हम सबको जानना चाहिए कि बौद्ध धर्म कोई अलग से धर्म नहीं है या कोई अलग से पंथ नहीं है, यह हिंदू धर्म की ही एक शाखा है। स्वयं बाबा साहब कहते थे हिंदू धर्म के अंतर्गत ही कानूनी रूप से वैदिक, शैव, बौद्ध, जैन, सिख आदि सभी मत आ जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सावरकर जी ने भी कहा था कि बौद्ध धर्म में जाना या बौद्ध मत में जाना एक तरह से हिंदू धर्म की ही एक अलग शाखा या एक अलग पंथ की ओर अग्रसर होना था। और यह सिर्फ सावरकर नहीं, उस समय कई बौद्ध भिक्षुओं ने, जैसे कि एक महान बौद्ध भिक्षु और बड़े विद्वान चंद्रमणि जी, उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म में बाबा साहेब का लौटना हिंदू धर्म की एक अन्य शाखा की ओर ही जाना था। तो यह बात हम सबको समझना चाहिए कि बौद्ध मत कोई अलग से मत नहीं है, बौद्ध, जैन, सिख सारे हिंदू धर्म की ही अलग अलग शाखाएं हैं। यह अपमानजनक है जब कोई व्यक्ति राष्ट्र के ऊपर अपने धर्म या संप्रदाय को प्राथमिकता देता है, क्योंकि यह उनकी विकृत सोच का प्रतीक है। ऐसा दृष्टिकोण देश में वास्तविक राष्ट्रवाद को बढ़ावा नहीं देता है। डॉक्टर अम्बेडकर का दृढ़ विश्वास था कि राष्ट्रीयता के प्रति हमारी निष्ठा स्पष्ट एवं असंदिग्ध होनी चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को अब निरस्त कर दिया गया है, जब इसे लागू किया गया था डॉक्टर अम्बेडकर इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे देश की एकता और सद्भाव टूट जाएगा। उनकी सोच थी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पेशावर से रंगून तक भारत भूमि एक रहे। बाबा साहब अम्बेडकर भारतीयता पर ज्यादा विश्वास करते थे। उसके पश्चात ही उनका कहना था कि धर्मों की प्राथमिकता उसके बाद थी कि हम अपना परिचय हिंदू मुस्लिम या अन्य धर्मों के रूप में अपना परिचय हम दें। उनका कहना था कि हम सभी भारतीय हैं और भारतीयता ही हमारी मूल परिचय होनी चाहिए। इसके कई उदाहरण हैं। बाबा साहब ने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का भी प्रयास किया और आज मैं समझता हूँ कि उसका एक उदाहरण है कश्मीर के रूप में, कि उस समय खास करके कश्मीर के प्रति उनकी जो सोच थी, और आज खास करके शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू ने कश्मीर को जो एक विशेष सुविधा धारा 370 के रूप में जो दिया विशेष अधिकार, बाबा साहेब अम्बेडकर उसके विरोधी थे और उन्होंने प्रारंभ में कह दिया था कि इससे देश का हित होने वाला नहीं है, बल्कि देश की एकता में, देश को एक सूत्र में बांधने में, देश की एकता में यह धारा 370 बाधा बन सकती है। इसका उन्होंने पुरजोर विरोध भी किया था। लेकिन पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला में अनुसरे संबंध रहा, दोनों में मित्रता अच्छी थी। लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर के इस विषय पर, उनके कथन पर, मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया और जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी और आज उसका दुष्परिणाम हम बीच के कालखंड में लंबे अंतराल तक हम लोगों ने उसका दुष्परिणाम देखा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कभी भी महात्मा गांधी सहित कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति के पक्ष में नहीं थे। यही प्राथमिक कारण था कि अम्बेडकर ने लखनऊ समझौते की आलोचना की।
हालांकि उनके विरोध के बावजूद जैसे ही कांग्रेस उनकी प्रारंभिक मांगों से सहमत हुई, उनकी मांगें तेजी से बढ़ गई। नतीजतन जब मुस्लिम समुदाय ने एक अलग राज्य की इच्छा जताई, जो इसके परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ और अम्बेडकर के विचार एक कठोर वास्तविकता में बदल गए। आपने लखनऊ संधि के बारे में पूछा, मैं बताना चाहता हूं कि लखनऊ संधि जो कांग्रेस के समय में 1916 में हुई, वह मुख्य रूप से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच थी। देखा जाए तो एक तरह से वह हिंदू मुस्लिम की एकता को ध्यान में रखते हुए संधि की गई, लेकिन हमें जानना चाहिए कि यह संधि अपने आप में हिंदू और मुसलमान को जो एक इसी समय सर सैयद अहमद खान ने कहा था अलीगढ़ वाले कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्रीयता हैं, दो अलग नेशनैलिटीज हैं, उसी के भाव को लेकर आगे जाने वाली यह संधि थी जिसने हिंदुओं और मुस्लिम को दो अलग अलग राष्ट्र के रूप में आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और जिसका परिणाम हमें दिखता है भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि इस संधि का बाबा साहब ने पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह नीति एक तरह से तुष्टिकरण की नीति है और किसी तरह का भी तुष्टिकरण राष्ट्र के लिए हितकर नहीं। मैं बार बार जो कहना चाहता हूँ कि चाहे वो जातिवाद के संदर्भ में हो, इसके अस्पृश्यता की बात मैं करूँ, या चाहे अल्पसंख्यकों के अधिकार के संदर्भ में हो, बाबा साहब सबके समर्थक थे। 1857 की क्रांति के बाद सेना में मुसलमानों का प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता गया। उस समय भारत की सीमा पर एक बड़ा मुस्लिम देश अफगानिस्तान मौजूद था। इस प्रकार अम्बेडकर के मन में यह डर हमेशा बना रहा कि यदि मुस्लिम राष्ट्र भारत पर हमला करते हैं तो जिस सेना में इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम है वह राष्ट्र की रक्षा करेगी या भाईचारे को प्राथमिकता देगी और उन्हें भारत की सीमाओं में प्रवेश करने देगी। लेकिन राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता था बाबा साहब के लिए, और इसीलिए उन्होंने इस संधि की आलोचना की, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों को दो अलग अलग कौम के रूप में एक तरह से स्थापित करने की दिशा वाला ही कदम था जो बाप इसी समय सर सैयद अहमद खान ने कहा था। यही नहीं, खिलाफत आंदोलन जो जब शुरू हुआ इस देश में, जो कांग्रेस के नेतृत्व में बल्कि महात्मा गांधी की यह एक ऐतिहासिक भूल थी जब उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। टर्की में यानी तुर्क में रहने वाला खलीफा, उससे भारत के मुसलमानों को क्या मतलब? एक दूसरे देश का व्यक्ति, दूसरे देश का शासक, जिसकी लड़ाई किसी और शासक से हो रही है, केवल मजहब के आधार पर उसका साथ देना, यह अपनी एक बहुत बड़ी भूल थी जिसने इस जो दो राष्ट्र की अवधारणा है, टू नेशन थ्योरी, इसी के बीज को और भी पुष्पित पल्लवित किया, जिसकी परिणति जिसका जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के रूप में होती है। और बाबा साहब इन सब के कटु आलोचक थे और उनकी जो दूरदृष्टता थी, चाहे लखनऊ संधि को लेकर या खिलाफत आंदोलन को लेकर, वह गलत साबित नहीं हुई, जिसका जीता जागता प्रमाण एक बड़ी विभीषिका हमें 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में मिला। स्वतंत्रता के बाद देश में प्रांतों के पुनर्गठन का आह्वान किया गया, जिसमें भाषा को मानदंड माना गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बारे में कुछ चिंताएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है तो इन राज्यों के रूप में छोटी राष्ट्रीयताओं के उभरने का संभावित खतरा है। भाषाओं को लेकर भी बाबा साहब अम्बेडकर का एक अपना विचार था। उन्होंने अपनी लेखनी में इस बात को कहा है कि, और इसके लिए उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस विषय को बहुत जगह, बहुत मंचों पर अपनी इस बात को रखा कि हम भाषाओं के आधार पर अगर अपने राज्यों को, अपने प्रोविंसों को आगे आने वाले, जब भारत आगे आने वाले समय में स्वाधीन होगा, उस समय अगर भाषाओं के आधार पर अगर हम अपने राज्यों को बांटने क्या सोचेंगे, तो इसको लेकर आगे चलकर एक जो सब नेशनलिज्म है उसको यह चीज़ बहुत बढ़ावा दी। तो वह इस बात के लिए तैयार नहीं थे, उनका ऐसा विचार नहीं था कि हमें भाषा के आधार पर
राज्यों को बनाना चाहिए। हालांकि वो ये समझते थे कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं उन सभी को एक समान महत्ता मिलनी चाहिए, पर साथ ही साथ उनका विचार था कि कोई भाषा एक ऐसी जरूर हमें चाहिए और भारतीय भाषा चाहिए जिसे कि हम एक लिंक लैंग्वेज यानी ऐसी भाषा जो कि सभी अलग अलग भाषाई क्षेत्रों के लोगों को जोड़ सके आपस में, जो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए जिस भाषा का जो है प्रयोग किया जा सके। तो ऐसा उनकी सोच थी कि राज्य भाषा के रूप में हिंदी को जो है हमें अपने संविधान में और आगे आने वाले समय में स्वतंत्रता के बाद इसे स्वीकारना चाहिए बाबा साहेब। साथ ही साथ वह संस्कृत भाषा की महत्ता को बहुत अच्छे से समझते थे और उन्होंने इस विषय को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में भी और बहुत सारे अपने सार्वजनिक भाषणों में भी उन्होंने इस बात को कहा कि संस्कृत भाषा जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे प्राचीन भारत भाषा है जिससे बहुत सी भारतीय भाषाएं निकलती हैं और इसलिए संस्कृत भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारने की बात उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसे भी प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था। और उनका ये मानना था कि संस्कृत भाषा को वह अपने विद्यार्थी जीवन में संस्कृत भाषा पढ़ने से वह वंचित रह गए जिसके लिए कि वह उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको उन्होंने एक तरह से दोष भी दिया कि शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की थी कि मैं संस्कृत पढ़ने से वंचित रह गया। लेकिन बाद में उन्होंने संस्कृत भाषा स्वयं सीखी और वह संस्कृत के अच्छे खासे एक अपने पंडित हम उन्हें कह सकते हैं और उन्होंने प्राचीन ग्रंथ पढ़े, वेदों को पढ़ा और उसके आधार पर उन्होंने अपनी कई पुस्तकों में उसके अंशों को भी समझकर अपने अनुसार उनका अनुवाद भी किया है। डॉक्टर अम्बेडकर सशक्त, निर्भीक एवं साहसी व्यक्तित्व के साथ साथ गंभीर समीक्षक, मौलिक चिंतक और तेजस्वी वक्ता भी थे। अपनी सुख सुविधा को छोड़कर जीवन भर उपेक्षित बंधुओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। उपेक्षा और तिरस्कार के बावजूद समाज को छोड़ने अथवा तोड़ने का विचार कभी नहीं आया। आदि से अंत तक प्रखर देशभक्ति का ही परिचय दिया। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को हिंसा तथा आतंकवाद के साथ कभी नहीं जोड़ा। कानून की सीमाओं के अंतर्गत ही वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। राष्ट्र की सेवा में लगा उनका जीवन अनुकरणीय है। इस महान जीवन से वर्तमान में लाखों युवक समाज सेवा की प्रेरणा ग्रहण करते हैं। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके कार्य और विचार के रूप में राष्ट्र को उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।